सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको Realme Narzo 30 Pro 5G के सारे ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा। इस स्मार्टफोन का क्या प्राइस होगा, कैसा दिखता है, इंडिया में कब लॉन्च होगा, आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ मालूम चल गया है, सब कुछ बताता हूँ। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F62 लॉन्च हो गया था। आई बटन पे वीडियो बना दिया हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जोर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपका होगा। 409 का PPI होगा, 20x9 पे स्मार्टफोन बेस्ड होगा। बस दोस्तों डिस्प्ले वाइज अभी आपको इतने स्पेक्स देखने को मिलेंगे, कुछ अगर एक्स्ट्रा मालूम चलेगा तो मैं आपको टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा, लेकिन डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा होगा। यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं, यही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिस्प्ले वाइज आपको कोई शिकायत नहीं होगा, काफी अच्छा डिस्प्ले है ये। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। सेल्फी की बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा वाइड एंगल लेंस के साथ, और पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा, कोने में रहेगा, नॉर्मल सा पंच होल रहेगा, छोटा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कैमरा वाइज थोड़ा स्मार्टफोन आउटडेटेड हो गया, एटलीस्ट यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देते तो मजा आ जाता, लेकिन कैमरा वाइज थोड़ा सा आपको शिकायत जरूर होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं थोड़े और स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा, LPDDR4X RAM टाइप मिल जाएगा, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा। अगर बैटरी सेक्शन की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो 30 वॉट का चार्जर भी मिल जा रहा है, 5000 mAh का बैटरी है, तो कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगा। बैटरी सेक्शन में दोस्तों आपको बहुत अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 800U का SoC देखने को मिलेगा, जो एक 5G प्रोसेसर है, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और माली G57 MC3 का GPU मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, ऊपर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो गेमिंग करने का एक्सपीरियंस और भी एनहांस हो जाएगा। और अगर HDR10 का सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो यार कंटेंट कंज्यूमिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी पंची कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ऑल दो डिस्प्ले काफी अच्छा हो जाएगा अगर HDR10 का सपोर्ट मिल जाएगा तो। लेकिन दोस्तों अगर परफॉर्मेंस वाइज बात कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हाई ग्राफिक्स में गेमिंग कर लो, डे टू डे लाइफ में यूज कर लो, चाहे आप जो भी काम करो, आपका स्मार्टफोन एकदम फास्ट मक्खन की तरह चलेगा, परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल आपको Realme के टिपिकल स्मार्टफोन्स का जो डिजाइन होता है बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलेगा, वैसे ही रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल रहेगा, और वहां पर पीछे आपको कलर्स चेंज होते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा ग्रेडियंट कलर्स के साथ आएगा। डिजाइन वाइज आपको कुछ यूनिक देखने को नहीं मिलेगा। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो प्लास्टिक बैक के साथ आएगा, प्लास्टिक फ्रेम मिल जाएगा, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वाइज जैसे एक मिड रेंज स्मार्टफोन होता है बिल्कुल वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, कुछ यूनिक देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स इस बार Realme Narzo 30 सीरीज में सिर्फ दो ही स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, एक Realme Narzo 30A होगा और डायरेक्ट दोस्तों Realme Narzo 30 Pro लॉन्च होगा, Realme Narzo 30 इस बार लॉन्च नहीं होगा। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो 24 तारीख को दोस्तों Realme Narzo 30 सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में। प्राइसिंग की बात करें तो Realme Narzo 30 Pro अकॉर्डिंग टू लीक्स 17,000 या 18,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो Realme Q2 चाइना में लॉन्च हुआ था ना आज से ठीक 3-4 महीने पहले, उसी का रीब्रांड होगा Realme Narzo 30 Pro 5G, जो इंडिया में लॉन्च होगा। सब कुछ वही मिलेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। इसके पोस्टर्स भी आ चुके हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखा दिया था, दोबारा से देख लीजिए, वैसे ही स्मार्टफोन रहेगा, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बस नाम चेंज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोगों को इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, डेफिनेटली वेट करो। अगर आप कोई स्मार्टफोन परचेस करने का प्लान कर रहे थे, आपका बजट 15-16 हज़ार रुपए, तो इसके लिए वेट कर लो, 5G स्मार्टफोन है, क्या पता आपको बहुत अच्छे वैल्यू में मिल जाए, तो डेफिनेटली इसके लिए वेट करो। और अगर दोस्तों आपको तुरंत कोई 5G स्मार्टफोन चाहिए तो अभी तुरंत जाके आप Realme X7 5G को परचेज कर सकते हो, 20,000 रुपए में बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, नहीं तो Mi 10i को परचेज कर लो। लेकिन जो Realme Narzo 30 Pro 5G होगा ना, वो 20,000 रुपए के अंदर में लॉन्च होगा, प्रॉपरली 17-18 हज़ार रुपए के आसपास ये लॉन्च हो जाएगा, तो इस स्मार्टफोन के लिए जरूर से वेट करिएगा। तो दोस्तों बस यही था कंप्लीट पैकेज Realme
Snapdragon 30 Pro 5G का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 15 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Realme Narzo 30 Pro 5G कैसा लगा। अगर वो लॉन्च होगा तो आप इसको बाई करोगे, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये भी बताओ कि आपको क्या लगता है कौन से प्राइस रेंज में ये लॉन्च होगा। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज़ भी देता हूँ, तो टेक न्यूज़ भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We'll be right back.